Hello guys, welcome to my channel. My name is Abhishek and in today's video we'll discuss what is Vignette cipher. Guys, ये हमारा poly alphabetic cipher का एक type होता कह सकते हैं हम लोग इसको. So इससे पहले guys हम अपना Caesar cipher पढ़ चुके हैं, काफी सारे videos देखे हैं. ये हमारी cryptography की playlist चल रही है. If you are a new user, तो मैं बताना चाहूँगा कि इसकी link भी description में दे रखी है मैंने. So you can check that out guys. और अगर नए हो तो guys channel को subscribe करके bell icon को press कर लेना. So that you can get all the notification. Now let's start our video. सो विग्नेट साइफर क्या होता है मैंने आपको बताया, इट इज अ पॉली अल्फाबेटिक सब्सटीट्यूशन साइफर. अब पॉली अल्फाबेटिक सब्सटीट्यूशन साइफर क्या होता है ये हम अच्छे से डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट अगर आप कोई न्यू यूजर हो तो मैं फटाफट से बता देता हूँ पॉली अल्फाबेटिक सब्सटीट्यूशन साइफर का मीनिंग क्या होता है. अगर सपोज आपका कोई एक प्लेन टेक्स्ट है, सपोज ए बी सी डी ए एक्स करके, इसको जब आप कन्वर्ट करते हो इंटू योर साइफर टेक्स्ट, तो अगर आपके सपोज ए के करिस्पॉन्डिंग मैंने जो मेरा साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ है दैट इज एम, तो मेरा जहां पे भी ए आएगा उसके बदले जरूरी नहीं है कि मेरी m ही वैल्यू आए, आई कैन यूज अनदर वैल्यू एज वेल. लाइक मैंने यहाँ पे a के बदले n यूज कर लिया, तो ये हमारा होता है पॉली अल्फाबेटिक सब्सटीट्यूशन साइफर. ए बी सी डी एक्स वगैरह के बदले हमारी कोई भी यहाँ पे सपोज वैल्यू आ गई, मतलब कहने का ये कि अगर a की करिस्पॉन्डिंग अगर मैंने m यूज करा एक बार, तो जरूरी नहीं है हर बार मैं m ही यूज करूँ, इट कैन गेट टू वैल्यूज एज वेल इन दी साइफर टेक्स्ट. ओके, सो आपका ये हो गया पॉली अल्फाबेटिक सब्सटीट्यूशन साइफर. एंड दिस विग्नेट साइफर वॉज डिजाइन बाय ब्लेस डी विग्नेर इन 16th सेंचुरी. इट वॉज ही वॉज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन, मे बी क्विज वगैरह में पूछ लें, इसलिए मैंने सिंपल सा बता दिया इस बंदे ने बनाया था. सो गाइस दिस द इंक्रिप्शन इज डन यूजिंग अ 26x26 मैट्रिक्स. मैट्रिक्स भी बोल सकते हो बट जनरली टेबल बोला जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द विग्नेट टेबल. गाइस इसके दो मेथड्स होते हैं, एक तो टेबल के थ्रू होता है वो मैं पहले आपको बताने जा रहा हूँ. मेथड नंबर वन विग्नेट टेबल उसको हम बोलते हैं, इट इज यूज टू फाइंड द साइफर टेक्स्ट. सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्टली. सपोज योर प्लेन टेक्स्ट इज दिस, जो आपका मैसेज है गिव मनी, आपको इसको कन्वर्ट करना है साइफर टेक्स्ट में और आपकी की है लॉक, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो अपना प्लेन टेक्स्ट लिख लो गिव मनी, फिर जो आपका की है उसको रिपीटेडली लिखना जब तक कि आपका ये पूरा फुल नहीं हो जाता है. जैसे कि लॉक है तो पहले आपने इसको डिवाइड कर लिया, फिर लॉक है तो एल ओ सी के लॉक लिखा, फिर ये हमारा खत्म हुआ यहाँ तक कि फिर से रिपीटेशन आपको करना है की का, एल ओ सी के लिखोगे, फिर से यहाँ खत्म हो गया तो यहाँ पे एल, जहाँ पे भी खत्म होगा वहां रुक जाना है आपको. वही चीज मैंने आपको यहाँ पे लिखी हुई है सिंपल, रिपीट द लेटर ऑफ द की सो दैट नंबर ऑफ लेटर्स इन पी एंड के दैट इज अवर प्लेन टेक्स्ट एंड द की बिकम्स इक्वल. है ना, यहाँ पे हमारा प्लेन टेक्स्ट दैट इज अवर पी एंड के यहाँ पे हमारा बराबर हो गया ना, यहाँ तक तब तक हमको इसको रिपीट करते रहना है. तो इसके करिस्पॉन्डिंग हमको ये साइफर टेक्स्ट जनरेट करना है. ये कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ. अब गाइस हमारा हमने बताया कि 26x26 का टेबल होता है, तो 26 हमारे अल्फाबेट्स होते हैं एबीसीडी, तो ए से लेके जेड तक एक साइड होंगे कॉलम में और एक ए से लेके जेड तक होंगे हमारे रो साइड में. तो आपको प्लेन टेक्स्ट आपका गिवन है जी और के गिवन है एल, इसके करिस्पॉन्डिंग हम वैल्यूज निकालने वाले हैं. देखो पहले टेबल कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपल. एबीसीडी के गाइस 26x26 का मैट्रिक्स है, एबीसीडी अप टिल जेड यहाँ पर भी है, एबीसीडी अप टिल जेड आपका यहाँ पर भी है. ऐसे में आपका प्लेन टेक्स्ट होता है, ऐसे में आपका की होता है. ओके, सो प्लेन टेक्स्ट इस तरीके से होता है, की आपका इस वाले फॉर्म में होता है, ये आपकी कीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये जो आपके कॉलम है ये आपके प्लेन टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब आपको करना क्या है, प्लेन टेक्स्ट है आपका जी और की है एल, सो प्लेन टेक्स्ट आपकी वैल्यू है जी, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जी की ये रही, दिस इज योर वैल्यू ऑफ जी एंड आपका की है एल, दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है. सो जी है आपकी प्लेन टेक्स्ट की वैल्यू और आपकी की वैल्यू है एल, सो एल यहाँ पर है, एल और जी का जहाँ इंटरसेक्शन होगा गाइस वो आपकी वैल्यू हो जाएगी. एल और जी का इंटरसेक्शन हो रहा है आपका यहाँ पे आर पे, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे हो गई आर. ओके गाइस, ऐसे करके आपको सॉल्व करना है. सिमिलरली आई का देखते हैं, अगर आपका प्लेन टेक्स्ट आई है और की ओ है, तो प्लेन टेक्स्ट इज योर आई, आई आपका ये रहा एंड ये आपका ओ है, तो इसका इंटरसेक्शन जहां पर भी होगा ये हो रहा है यहाँ पर इंटरसेक्शन, दिस इज योर इंटरसेक्शन, तो ये आपकी वैल्यू हो गई डब्ल्यू. ठीक है, मतलब करना कुछ नहीं है, आई को ढूंढना है और आपकी जो ये आपका आई प्लेन टेक्स्ट था आई और आपका की ओ. ठीक है, सो आई आपका प्लेन टेक्स्ट है, ओ आपका जो है आपका ये यहाँ पे की है, की ये वाले रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ओ आपका ही हो गया. तो इधर से भी नीचे आना है, इधर से सीधा में जाना है, जो भी आपकी वैल्यू यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी दैट इज डब्ल्यू, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू आ गया. सिमिलरली ऐसे करते करते आप इसको सॉल्व करोगे, मैं एक दो लेटर्स को और बता देता हूँ. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसको देख लेते हैं, ई ई के करिस्पॉन्डिंग के की वैल्यू ओ कैसे आ रही है. अब जैसे कि आपका प्लेन टेक्स्ट है ई और की है के, तो प्लेन टेक्स्ट है ई, ई आपका ये हो गया, जूम कर देते हैं थोड़ा सा, ई आपका ये हो गया एंड योर प्लेन टेक्स्ट इज के, सो आपको यहाँ पे के देखना है, के आपका यहाँ पर हो गया, तो के और ये यहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपका, ये आपको ऐसे नीचे हो गया और के यहाँ सामने जाओगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ओ. ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे आपका ओ आ गया. अब सिमिलरली लास्ट वैल्यू भी अगर देख लें एक बारी, तो वाई आपका प्लेन टेक्स्ट है और एल आपकी की है, सो वाई इज योर प्लेन टेक्स्ट लास्ट वाला सेकंड लास्ट कॉलम
और उसके करेस्पॉन्डिंग आपकी की है एल। तो एल आपको यहाँ पे टेबल में ढूंढना है। सो एल आपका ये रहा की में, तो इसके करेस्पॉन्डिंग आप सीधा जाओगे जब तक आपका यहाँ पे वाई वाला कॉलम नहीं मिल जाता। वाई कॉलम ये रहा, इसके नीचे आओगे तो यहाँ पे आपकी इंटरसेक्शन वैल्यू हो गई जे। सो दैट्स वाई आपका आउटपुट आ गया जे। सो गाइस इसी तरीके से हमने यूज करके, इस टेबल को यूज करके वैल्यूज अपनी मतलब करिए यहाँ पे सॉल्व। तो जी एल के करेस्पॉन्डिंग हमारी साइफर टेक्स्ट क्या आ रहा है, हमारा प्लेन टेक्स्ट था गिव मनी, इसके करेस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट आपका बन गया आर डब्ल्यू एक्स ओ एक्स सी पी ओ जे। इसके करेस्पॉन्डिंग आपका साइफर टेक्स्ट ये बन गया। तो करा क्या, सिंपल आपने प्लेन टेक्स्ट लिखा, उसके करेस्पॉन्डिंग की लिखी, तब तक लिखनी जब तक ये यहाँ पर पूरा बराबर नहीं हो जाते हैं दोनों। जैसे एल ओ सी के लॉक आपकी की यहाँ खत्म हो गई, दोबारा से रिपीट करनी है एल ओ सी के लॉक, फिर रिपीट करनी है एल, जब तक ये बराबर नहीं होते। देन 26x26 का मैट्रिक्स देखना है, ये आपकी प्लेन टेक्स्ट है, दैट इज योर कॉलम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था गाइस, दिस इज योर प्लेन टेक्स्ट, कॉलम्स आपके प्लेन टेक्स्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपका जो रोज है दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर की। तो आपको प्लेन टेक्स्ट से करेस्पॉन्डिंग की देखनी है, जो भी इंटरसेक्शन आपको पॉइंट मिलता है वो आपका यहाँ पे साइफर टेक्स्ट बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको ये वाला भी दिखा देता हूँ कि प्लेन टेक्स्ट आपका अगर वी है गाइस, एक ही करेक्टर आपको फेच करनी है, ठीक है ना। तो आप जैसे कि यहाँ पे वी के लिए चेक कर रहे हो, तो प्लेन टेक्स्ट आपका वी है। सो गाइज आपका V के करेस्पॉन्डिंग आपको C देखना है। सो V हमारा यहाँ पर कहाँ, प्लेन टेक्स हमारा V कहाँ पर है गाइज, यहाँ पर है, यहाँ पे U आएगा, ये V नहीं हुआ, T U देन V। तो ये वाला हमको अपना कॉलम देखना है, मैं यहाँ पे पेन लगा लेता हूँ, ये आपका कॉलम हो गया U, और इसके करेस्पॉन्डिंग आपको C की वैल्यू देखनी है, हमारा की वैल्यू है C। सो यू कैन सी सी, ओके यू कैन सी नाउ। तो आपका U यहाँ पे था, इसके करेस्पॉन्डिंग आपको की वैल्यू दे रखी है C। तो इसके यहाँ पे आप जाओगे और इसके नीचे आओगे, जो भी आपका इंटरसेक्शन होगा दैट इज W, यहाँ पर आपका इंटरसेक्शन है ना, देखो U यहाँ पे नीचे आया X, और ये थर्ड वाली लाइन आपकी C की है, तो इंटरसेक्शन आपका X हो गया, दैट्स वाई योर साइफर टेक्स विल बी X। तो ये आपका साइफर टेक्स ऐसे बन जाएगा, साइफर टेक्स X, ओके नाउ यू कैन सी। सो गाइज एक बात और, आपको ये टेबल कैसे बनानी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि टेबल हमें बनानी आनी चाहिए, इसमें कुछ नहीं करा है हमने। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी सी डी 20 ऑल द लेटर्स जेड तक यहाँ लिखने हैं। करिस्पॉन्डिंगली आपको यहाँ पे कॉलम में भी ए टू जेड लिख लेना है, दिख रहा है अच्छे से, यस ओके। सो ये आपका प्लेन टेक्स्ट रिप्रेजेंट करेगा, ये आपकी की रिप्रेजेंट करेगी। अब भरना कैसे है इसको, सिंपल आपका अगर ये ए से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे रो, तो ए से लेके जेड तक लिख दोगे। बी से स्टार्ट हो रही है तो ये आपका बी से स्टार्ट करना है, बी सी डी एफ जी एंड सो ऑन टिल जेड, जेड के बाद दोबारा से रिपीट करना स्टार्ट कर देना है जो आपका बचेगा ए आ गया। जैसे कि सपोज यहाँ पर फिर आपका बी है, तो आपको बी से स्टार्ट करना है, बी सी डी एफ जी टिल जेड, जेड के बाद आपका ए, ऐसा ये मैं बता चुका हूँ। फिर C है सपोज, तो C के बाद C से स्टार्ट करना है, C D E F G अप टिल Z, फिर उसके बाद जो बचे हैं C से पहले जो आते हैं A और B यहाँ पर जाएंगे, लाइन से चलना है सीक्वेंस में आपको। मतलब अब जैसे कि आपका D है तो D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z, देन A B C आ जाएगा, मतलब Z खत्म होती है आपकी रिपीटेडली, मतलब स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगा A B C करके। और ये बात ध्यान रखने की, अगर आपका D से स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली उससे प्रीवियस वाले लेटर पे फिनिश होगा, मतलब आपका C पे फिनिश होने वाला है। अब जैसे कि मैं जी वाले की इस वाले कॉलम रो की बात करते हैं, जी है तो जी से स्टार्ट होगा, जी एच आई जे के टिल जेड आपका पूरा आएगा, फिर जी से पहले मतलब आपका कौन सा अल्फाबेट आता है, एफ आता है, तो एफ तक चलेगा, ए बी सी डी ई एफ पूरा आपको भरते चलना है। ऐसे करते करते आपका पूरा टेबल बन जाएगा। इस तरीके से हम अपना बनाते हैं विग्नेर टेबल, ठीक है ना गाइस। अब लास्ट वाला भी देख लो यार, जेड है तो जेड से स्टार्ट किया, जेड खत्म हो गया, फिर ए बी सी डी स्टार्ट करके पूरा वाई तक चला दिया लाइन वाइज, तो ये आपका टेबल हो गया। बट यार प्रॉब्लम ये आती है कि जस्ट इन केस हम यार एग्जाम में इतना बड़ा टेबल थोड़ी बनाने बैठ जाएंगे सारा टाइम, तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो उसके लिए एक बेटर टेक्निक होती है, सेकंड मेथड आपका होता है, टेबल गिवन एग्जाम में तो इट इज वेल एंड गुड, नहीं गिवन तो सेकंड टेक्निक आपको मैं बताता हूँ, तो यू कैन फॉलो दैट टेक्निक। गाइस बिफोर प्रोसीडिंग टू द सेकंड मेथड, यार इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं कैसे होता है। अब देखो हमारा साइफर टेक्स्ट गाइस सॉल्व करने के बाद क्या है, आर डब्ल्यू एक्स ओ एक्स सी पी ओ जे, वही मैंने आपका यहाँ पे लिख लिया। फिर से आपको डिस्क्रिप्शन करते हुए सेम की यूज करने का, दैट्स व्हाई एल ओ सी के लॉक लगाया। फिर से जैसे हमारा खत्म हुआ दोबारा रिपीटेडली लिखोगे एल ओ सी के लॉक एंड देन अगेन एल। तो यहाँ पे इसके करेस्पॉन्डिंग इसकी आपने ये फिल करी। अब आपका ये प्लेन टेक्स्ट वापस से गिव मी मनी आ कैसे रहा है मैं आपको ये बता देता हूँ, ये भी आपका टेबल से ही हमें देखना पड़ेगा गाइस। अब की हमारा क्या होता है, मैंने आपको बताया था की आपके जो होते हैं ये रोज इन द टेबल रिप्रेजेंट करते हैं ना, कीज हमारी है ना ऐसी वाले ए बी सी डी, तो ये हमारे रोज की हो गए। सो की आपको पता है एल और साइफर टेक्स आपका है आर। अब गाइस हम साइफर टेक्स निकाल कैसे रहे थे ऊपर, अगर आपको प्लेन टेक्स गिवन था, प्लेन टेक्स क्या था आपका, कॉलम्स वर योर प्लेन टेक्स, ठीक है, ये आपके प्लेन टेक्स रिप्रेजेंट कर रहे थे एंड योर रोज आर रिप्रेजेंटिंग योर की। सो आपके प्लेन टेक्स और की का जो इंटरसेक्शन था दैट वॉज योर साइफर टेक्स, है ना। जैसे कि अगर C है और C है, C और C का इंटरसेक्शन आपका E है, तो ये आपका था साइफर टेक्स्ट। अगर अब मैं आपको कहूं कि आपको साइफर टेक्स्ट पता है, मतलब
आपको ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि आपको ई की वैल्यू पता है एंड यू ऑल्सो नो दी की सी, तो आपको बताना है कि आपका प्लेन टेक्स्ट क्या होगा। ऑब्वियसली अगर आपका साइफर टेक्स्ट ये है और आपकी की ये है तो फिर आपका प्लेन टेक्स्ट क्या होगा, जो जैसे आपका की ये हो गया और साइफर टेक्स्ट आपका ये है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो ऊपर आपका कॉलम जा रहा है दैट विल बी योर प्लेन टेक्स्ट, है ना। नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से बताता हूँ, लेट अस अंडरस्टैंड इट अगेन। अगर आपका गाइज प्लेन टेक्स्ट सी है और आपकी की भी फॉर एन एग्जाम्पल सी है, तो उसका करेस्पॉन्डिंग जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज ई, ये आपका हो गया क्या, साइफर टेक्स्ट हो गया, है ना। और अगर हमारे पास साइफर टेक्स्ट है जैसे कि ई की वैल्यू और हमारे पास की वैल्यू है सी, तो इसके करेस्पॉन्डिंग में प्लेन टेक्स्ट भी तो निकाल सकता हूँ ना। साइफर टेक्स्ट आपका ई हो गया, प्लेन मेरी मतलब की मेरी सी हो गई, तो इसके करेस्पॉन्डिंग में यहाँ पे देखूंगा, जैसे मेरा साइफर टेक्स्ट ई मेरे को मिलता है, जो मेरा ऊपर कॉलम होगा दैट विल बी माई प्लेन टेक्स्ट सी। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे आंसर्स कैसे आ रहे हैं। जैसे कि आपका डिक्रिप्शन के लिए हमारी ये थी वैल्यू, हमने की लगाई, अब प्लेन टेक्स्ट कैसे आ रहा है आपका। साइफर टेक्स्ट आपका आर है और की एल है। ओके, सो आपको क्या करना है, की आपकी एल है तो आपको एल वाली रो में जाना है, एल वाली जो आपकी रो है इसमें ढूंढना है कि आपकी आर की जो वैल्यू है, मतलब जो आपका साइफर टेक्स्ट है वो कहाँ पर आ रही है। एल इज योर की, आर इज योर साइफर टेक्स्ट। सो एल आपका की वाला ये है जो रोज है, तो एल आपकी की है ये री, और आपको साइफर टेक्स देखना है कि आर कहां पर है, तो आर आप यहां पर ढूंढोगे कि आर आ कहां रहा है। जैसे आपको आर मिला, ये मिल गया, तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो कॉलम है आपको इसके ऊपर सीधा ही में जाना है, तो जी है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी प्लेन टेक्स की जी। सो दैट्स व्हाई आपका जी आ गया, गिव मी मनी का। ओके, फिर सिमिलरली आपका की आपकी वैल्यू है ओ और साइफर टेक्स है डब्ल्यू, तो आपको की मतलब ओ वाली रो में जाना है और जहां पर डब्ल्यू मिला उसके आप करेस्पॉन्डिंग कॉलम लिख दोगे। तो की वैल्यू है ओ, यहां पर आपका की ओ हो गया, दिख रहा है, ठीक है। ओ के करेस्पॉन्डिंग आपको W की वैल्यू ढूंढनी है, की इज योर O। ओके, सो O आपका ये हो गया, यहाँ पे W हम देखेंगे कहाँ पे आ रहा है। जैसे आपका W मिला, आपको ये W मिल गया, ओके okay? आपका O आपने रो में देखा, जैसे आपको W मिला इसके करेस्पॉन्डिंग जो आपका कॉलम है ये आप देखोगे कौन सा है, I, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी I। ओके, सो इसलिए यहाँ पे आपका I आ गया। अब सिमिलरली की वैल्यू है C और वहाँ पे हमें साइफर की वैल्यू है X, तो C में आप जाओगे रो में, इसके करेस्पॉन्डिंग आप x ढूंढोगे कहां पर है, x आपका यहां पर लाइक कर रहा है, इसके करेस्पॉन्डिंग ऊपर जाओगे तो v आपका कॉलम है, सो दैट्स व्हाई आपका प्लेन टेक्स्ट बन गया v। देन आपका o चेक करोगे, साइफर o है, की k है, सो की k, तो आप k रो में जाओगे और o की वैल्यू चेक करोगे, सो k रो में जाएंगे और o जहां पे आएगा, यहां पे o आया तो ऊपर जाओगे, कौन सा कॉलम है, e, तो आपकी वैल्यू आ गई e। ओके, सो ऐसे करते करते गाइस आप सॉल्व करोगे, मैं फटाफट से बता देता हूं आपको आगे कैसे सॉल्व होगा। x आ गया, जैसे सपोज x हमारा साइफर है और की हमारी एल है, तो एल में आपको एक्स सर्च करना है, एल रो में, एल रो ये रही, आपको यहाँ पे एक्स सर्च करना है, एक्स ये मिल गया, इसके करेस्पॉन्डिंग आपका कॉलम है एम, सो दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे एम आ गया। ओके, अगर आपका की ओ है, आपका साइफर सी है, तो आपको ओ रो में सी की वैल्यू ढूंढनी है, सो ओ ये रहा आपको यहाँ पे, जैसे ही आपको सी मिलेगा ये मिल गया, इसके करेस्पॉन्डिंग जो आपका कॉलम है दैट इज योर ओ, इसको आप लिख दोगे तो ओ आ गया आपका आउटपुट। सिमिलरली की वैल्यू आपकी सी है और साइफर पी है, तो आपको सी वाली रो में पी की वैल्यू ढूंढनी है, सी आपकी रो ये रही, इसमें आपकी पी की वैल्यू ढूंढोगे, ये रही आपकी पी की वैल्यू, इसके करेस्पॉन्डिंग आपका कॉलम कौन सा हो गया, एन, तो दैट्स वाई आपका मतलब प्लेन टेक्स्ट जनरेट हो रहा है आउटपुट में एन आ गया। अब की आपकी के है, साइफर आपका ओ है, तो के में आप ओ की वैल्यू ढूंढोगे। ओके, सो के में आप ओ की वैल्यू ढूंढोगे ये रही, इसके करेस्पॉन्डिंग आपका कॉलम हो गया ई, सो इसलिए ई आ गया गाइस। और सिमिलरली लास्ट वाला मैं आपको बता देता हूँ की एल है और जे है आपका साइफर टेक्स्ट, एल रो में आपको जे की वैल्यू देखनी है। ओके, एल रो में आपको जे की वैल्यू देखनी है ये रही, सो इसके करेस्पॉन्डिंग आपको कॉलम लिखना है दैट इज योर वाई, सो दैट्स वाई आपका वाई आ गया। गाइस समझ में आ रहे नहीं आ रहे कमेंट करके बताना यार, और समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करके जाना वीडियो को। तो यार ये तो हमारा हो गया मेथड नंबर 1, विग्नियर टेबल के थ्रू आपको सॉल्व कैसे करना है पूरा। इंक्रिप्शन भी मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया गाइस, और डिक्रिप्शन भी अच्छे से समझा दिया पूरा प्रॉपर टेबल के साथ दिखा करके। अब इसका गाइस सेकंड मेथड होता है यार, व्हेन द टेबल इज नॉट गिवन, जस्ट इन केस अगर आपको टेबल ही नहीं गिवन है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। वीडियो ऑलरेडी लगभग 12-13 मिनट का शायद जा चुका है, तो लेट अस डिस्कस दिस विग्नियर साइफर का मेथड नंबर 2 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो यार कमेंट करके जरूर बताओ कैसी लग रही है सीरीज, लाइक द वीडियो, शेयर करो यार दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो भाई के चैनल को। टिल द टाइम टेक केयर, गुड बाय, जल्दी से बाकी के वीडियोज लेके आते हैं।